हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आपको पता है कि अभी क्रिसमस आने ही वाला है, तो इसमें हम लेके आए हैं आज आपके लिए एक हेल्दी फ्रूट केक जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और ये केक बच्चों का तो फेवरेट ही हो जाएगा, तो आप बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए। इतना हेल्दी और अच्छा केक है, कम बजट में बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमने लिए हैं 15 से 20 ब्रेड के स्लाइस, कुछ कलरफुल टूटी फ्रूटी, मैंने 3 कलर में ली है, एक बाउल मिल्क लेंगे और घर की दूध से निकली हुई मलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम केक बनाएंगे। और कुछ हमने फ्रूट्स भी लिए हैं। तो हम ये ब्रेड के स्लाइस की सारी किनारियां निकाल देंगे। हमें सिर्फ अंदर का ये एकदम सॉफ्ट वाला पार्ट चाहिएगा। इस तरह से हम सारे स्लाइस को निकाल लेंगे। अब हमने एक बाउल ले लिया है, इसी में सारे स्लाइस को इसी तरह से निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालेंगे। मैंने स्लाइस काटे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही अपने हाथों से निकाल रही हूँ। चाहे आप कटिंग करके निकाल सकते हैं, चाहे इस तरह से निकालिए। हमें अंदर का ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, ये ही चाहिएगा। तो अभी हमारे सारे स्लाइस निकल चुके हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम अच्छे से मिल्क में थोड़ा सा डीप कर देंगे। और अब हम इसको एक पैन में 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसका हमें अच्छे से एक बैटर तैयार करना। तो ये हमारा एकदम रेडी हो चुका है, मिल्क हमारा अच्छे से सूख गया है उसमें। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। और इधर हमने उसी पैन में थोड़ा सा दूध लेके, आप आधा कप दूध लेके उसमें शुगर ऐड करके उसको अच्छे से मेल्ट, जब तक मेल्ट हो जाए थोड़ा सा पकाना है। और उसको इसी बैटर में हमको मिक्स कर देना है। और इसको अच्छे से हम फेंट के इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने टूटी फ्रूटी ली हैं, ये तीनों ही कलर की, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ये ग्रीन बच्चों को ये टूटी फ्रूटी बहुत ही पसंद आती है, और ये केक में डाली जाती है तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने ये 3 कलर की टूटी फ्रूटी ली है। अब हम इसे इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन केक लेके इसमें अच्छे से बटर लगा लेंगे, ताकि जब हमारा केक अच्छे से सेट हो जाए तो आसानी से निकल जाए। अब हम हल्का सा थोड़ा टूटी फ्रूटी डालेंगे पहले, फिर अपना बैटर डालेंगे। ये एक लेयर बैटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से सेट करके ऊपर से हम एक फ्रूट की लेयर लगाएंगे।
इधर हम थोड़ा सा किशमिश डाल रहे हैं, आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकती हैं। और इधर हमने बनाने के स्लाइस को हम अच्छे से इसमें लगा देंगे। और ऊपर से हम उसी बैटर की एक लेयर और लगा देंगे। अभी हमारा सेट हो चुका है तो हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इधर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम इसमें फूड कलर ले रहे हैं थोड़ा सा, और जो हमने घर की दूध से निकाली हुई मलाई है तो उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, तो इसी से हम थोड़ा सा केक को डेकोरेट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसी से हम छोटे छोटे फ्लावर के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। हमने एक छोटी सी कोन बनाई है तो उसी में हमने उसको मलाई को डाल दिया। और इधर हमारा ये भी केक भी सेट हो चुका है। अब हम साइड से इसको किनारे से इसको निकाल देंगे। अब एक प्लेट में लेकर हम इसको हल्का सा टैप करेंगे ऊपर से ताकि हमारा केक आसानी से निकल जाए। ये देखिए हमारा केक निकल चुका है। अब हम ऊपर से इसको क्रीम कवर करेंगे। ये मलाई से हमने अच्छे से कवर कर दिया। जो हमने कलरफुल मलाई का जो हमने क्रीम का जो बनाया था कोन, तो अब उससे हम छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा सा फ्रूट से और जो हमारी टूटी फ्रूटी हैं उससे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इधर हमने सारे बनाना के स्लाइस लगा दिए हैं और ऊपर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाली है। और अब हमने ये जो ऑरेंज के स्लाइसेस हैं ये हम इसके चारों तरफ लगाएंगे, और कुछ अनार के दाने जो ऊपर से हम इसको डाल देंगे। तो ये हमारा केक रेडी है, और केक हमारा एकदम हेल्दी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला। तो इस क्रिसमस आप अपने बच्चों के लिए ये केक ज़रूर बनाइए, एकदम हेल्दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, केक रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को मैरी क्रिसमस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।